तो चलो यार, बहुत दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाया था, ठीक है। एक महीना पूरा निकल गया है, सिर्फ एक महीने में मैंने एक वीडियो डाला था, ठीक है। लेकिन अब से मैं कंटिन्यू वीडियो बनाने वाला हूँ और ऐसे वीडियोस बना के दूंगा आपको और ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा ना कि आपकी फटके चार हो जाएंगी, ठीक है। तो इस चैनल को आप छोड़ना मत, ठीक है, क्योंकि न्यू जनवरी और न्यू ईयर से हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर से इस चैनल को, मतलब 2021 में हम ब्लास्ट कर देंगे और सबकी ऐसी की तैसी कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, हमारे कुछ फैक्ट्स है और बहुत लोगों को बता दूं कि जो कमेंट कर रहे हैं ना गंदे गंदे सेक्शंस में, तो उनको मैं बता दूं कि जो कमेंट्स आप कर रहे हैं एक्चुअली ये फैक्ट वाला चैनल है, ये कोई डेडिकेटेड वीडियो नहीं है कि एक टॉपिक पे पूरा एक वीडियो में बना के तुमको दे दूँ और थाली में परोस दूँ। क्या हलवा चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। 10 फैक्ट चैनल्स और यूट्यूब पे चले हैं, ठीक है। उसमें भी आप देखते हो ना कि बहुत सारे फैक्ट्स बताते हैं वो लोग, वैसे ही मैं भी फैक्ट्स बता रहा हूँ, उसमें नया क्या है। तो तुम्हारी क्यों सुलग रही है भाई, कमेंट्स करना है तो अच्छे से करो, नहीं करना है तो मत करो। अगर करना ही है तो फिर करते रहो भाई, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरा कुछ नहीं जानने वाला, क्योंकि मेरा जो टॉपिक है और जो मेरा जो नीच है मैं वैसे ही बताऊंगा, चाहे तुम्हारी कितनी सुलगे और कितनी नहीं सुलगे, ठीक है। तो अपनी जगह पे रहो और चुपचाप फैक्ट सुनो, एक से एक फैक्ट्स बताऊंगा, ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा कि दूसरे की चैनल को छोड़ के मेरे चैनल पे आके तुम फैक्ट्स देखोगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फैक्ट नंबर 6। देखो ये फैक्ट बहुत ही शानदार है। एक्चुअली क्या है, अब्राहम लिंकन क्या था, अमेरिका का प्रेसिडेंट था। तो उस टाइम क्या हुआ था कि एक आदमी ने ये शपथ ली थी कि अगर अब्राहम लिंकन अगर प्रेसिडेंट बन जाता है तो मैं अपनी दाढ़ी कभी नहीं काटूंगा। मतलब जैसे ये मेरी छोटी छोटी दाढ़ी दिख रही है नहीं, ऐसी अगर दाढ़ी, अगर मैं बोल दूँ कि ठीक है मैं अब्राहम लिंकन अगर प्रेसिडेंट बन गया तो मैं 10 साल तक दाढ़ी नहीं काटूंगा, तो मेरे दाढ़ी का क्या हाल होगा। क्या हाल हुआ उस आदमी का मालूम है, देखिए फोटो में, मुझसे क्या पूछ रहे हैं, फोटो में देखो यहाँ क्या लिखा है। ए मैन नेम्ड वैलेंटाइन टैपली प्रोमिस टू नेवर सेव अगेन इफ अब्राहम लिंकन वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट। ही डाइड इन 1910 विथ ए 12-foot लॉन्ग बियर्ड। 12 फीट की दाढ़ी बढ़ गई थी उसकी, सोचो इतनी लंबी। लेकिन एक प्यार और एक जज्बा देखने को मिलता है यहाँ पे अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए। फैक्ट नंबर 5, हमारे इंडिया में एक लेडीज़ कितने बच्चे पैदा कर सकती है। और अगर मैं फैक्ट की बात करूँ तो नेपाल में एक लेडीज़ है और एक परिवार बोल सकते हो, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सदस्य है, मतलब कुछ 100 लोग हैं शायद उनके सदस्य में, मतलब उनके 70 से 80 तो बच्चे हैं। तो सबसे पहले एक काम करो, ये फोटो देखो, ये फोटो से आपको देखने में क्या समझ में आता है। इसमें जो नीचे जो कैप्शन लिखा है वो पढ़ो पहले। ए रशियन वुमेन होल्ड्स ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर गिविंग बर्थ टू 69 चिल्ड्रन विच इंक्लूडेड 16 पेयर्स ऑफ ट्विन्स, 7 सेट्स ऑफ ट्रिपलेट्स एंड 4 सेट्स ऑफ क्वाड्रपलेट्स। मतलब क्या हुआ इसका, कि इसके टोटल 69 चिल्ड्रन है, जिसने कि 16 बार तो इसने जुड़ा बच्चों को जन्म दिया है, 7 बार 3 बच्चों को जन्म दिया है और 4 बार 4 बच्चों को जन्म दिया है। ऐसा जिंदगी में किसी के साथ भी नहीं हुआ है, लेकिन इस लेडीज के साथ हुआ है, इसलिए गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है इसका नाम। और ये बहुत ही खतरनाक और स्ट्रेंज और अनबिलीवेबल फैक्ट था जो मैंने आपको अभी बताया। फैक्ट नंबर 4, अगर मैं एक देश की बात करूं कि देश कितना छोटा हो सकता है, ठीक है, जैसे कि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है 130 करोड़, वैसी सबकी अलग अलग कंट्री की अलग अलग पॉपुलेशन, लेकिन एक देश है जो इतना छोटा है कि आप बोलेंगे कि अबे ये क्या है, ये तो झाड़ बराबर का है। फोटो देखो, देयर इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट नेशन सीलैंड, नेशन का नाम है सीलैंड और इट हैज इट्स ऑन गवर्नमेंट स्टैम्प, इसका खुद का एक स्टैम्प भी है एंड पासपोर्ट भी है इसका, और वहाँ पे एक सॉसर टीम भी है जो कि फुटबॉल की टीम है, और यहाँ पे देयर आर 27 ऑफिशियल रेजिडेंट्स। मतलब इस देश में सिर्फ 27 लोग ही रहते हैं। अबे 27 लोग तो हमारे एक मोहल्ले के एक घर में रहते हैं, ये 27 लोग का नेशन बना के बैठे क्या, एक नंबर के चूतिया इंसान से। चलो ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट फैक्ट, फैक्ट नंबर 3। ये जो बॉडी है ना अपनी, ये बॉडी बहुत कीमती है, ठीक है, आपको अगल नहीं होगी जरा से भी, लेकिन ये बॉडी इतनी कीमती है कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर आपके पास पैसे खत्म हो गए ना, मैं तो बोलता हूं आपकी बॉडी को बेच मारो साले को, ठीक है, कुछ तो पैसे मिलेंगे, लेकिन मालूम है कितना पैसा मिलता है अगर आपकी बॉडी को अगर आप बेच देते हो तो, $45 मिलियन। अब इस फोटो को देखिए, इफ़ यू सेल एवरी ऑर्गन एंड केमिकल्स इन ए ह्यूमन बॉडी यू वुड मेक अराउंड $45 मिलियन। लेकिन वो $45 कहाँ डालोंगे, हाँ डालोंगे कहाँ वो $45 मिलियन को, जब तुम ही जिंदा नहीं रहोगे तो। इसलिए अपने बॉडी से प्यार करो ना कि पैसे से, ठीक है। फैक्ट नंबर 2, अब इस फोटो को देखो, ए फैक्ट नंबर 2 में क्या होता है, 1942 में क्या हुआ था कि ए मैन कॉल्ड द फैंटम बार्बर वुड ब्रेक इन टू पीपल्स हाउसेज इन मिसिसिपी एट नाइट एंड कट देयर हेयर। ये एक बार्बर था, मतलब एक नाई था, ये बहुत बड़ा पागल था, इसको बाल काटने का इतना शौक था कि ये किसी के भी घर में दरवाजा तोड़ के लॉक तोड़ के घुस जाता था और लोगों के बाल काट जाता था। इसको पैसे नहीं मिलते थे, कुछ नहीं मिलते थे, इसको बस बाल काटने में मजा आता था। 1942 में ये एक बहुत रूमर्स हो गया था और बहुत भय की त्रासदी हो गई थी वहाँ भी, जो लोग डरने लगे थे कि यार कौन है जो बाल काट के जा रहा है रात में, भोसड़ी का यही बार्बर ही था। ये फैक्ट नंबर 1, एक डिसीज होती है
जिसमें आपको नींद नहीं आती। मैं इनसोमनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, इनसोमनिया में क्या होता है कि नींद नहीं आती लेकिन इंसान जिंदा रहता है। एक और डिसीज रहती है जिसको हम कहते हैं स्टॉप स्लीपिंग, और ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपको नींद आएंगी नहीं और आपकी तबीयत दर पर दर बदतर खराब होते जाएंगी और एक दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप एक दिन आप मर जाओगे। तो ये जो है ये इंसोमनिया नहीं है, ये स्टॉप स्लीपिंग है। तो याद रखना आगे से इस बीमारी का नाम। तो चलो चलो, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस अब आगे भी आते रहेंगे। ठीक है, कान को खोल के अच्छे से अंदर घुसा लो ये बात और दिमाग में भी घुसा लो। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड के साथ शेयर करना, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।